गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के PYQ 2023 के। कल करवाए थे 24 के, आज हम करवाएंगे 23 के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं स्टार्ट। करो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो 2023 में फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं, टोटल इंडिया में, पूरे इंडिया में 12 सेट होते हैं। ठीक है, 12 सेट इंडिया में, पूरे इंडिया में आते हैं अलग अलग स्टेट में। तो हम उन 12 सेट के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ कॉस इनवर्स cos -7π/3। तो क्या आप इसको डायरेक्ट -7π/3 लिख सकते हो? क्या आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो? अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, इसकी रेंज 0 से 180 होती है। तो 0 से 180 के बीच में ये नंबर आता ही नहीं है। क्या 0 से 180 के बीच में ये नंबर आता ही नहीं है? पहले तो अब एक काम करो, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, पहली तो ये चीज करो। तो ये बनेगा cos इनवर्स cos 7π/3। देखो 7π/3 कितना होता है? 7π/3 पाई होता है 180। 180 को 3 से डिवाइड करो, 60 इंटू 7 360 + 60 = 2π, और ये बन गया π/3। तो आप इसको इस तरीके से लिखो, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 2π + π/3। इसको हमने क्या लिखा? 2π + π/3। और ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos 2π + थीटा, cos 2π + थीटा cos थीटा होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्या आप इसको थीटा पढ़ो, आप इसको क्या पढ़ो? थीटा पढ़ो। तो ये बन रहा है cos 2π + थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। अब इसको लिख दो, cos इनवर्स cos थीटा, थीटा आपका π/3 है ना। और देखो ध्यान से, ये π/3 इसके बीच में लाई करता है, ये 0 से 180 है और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रेंज में लाई करता है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो π/3। ठीक है, एक बार cos क्वाड्रेंट वाला बता दो। देखो अगर आपको क्वाड्रेंट अगर आपको सीखना है ना, तो आप YouTube पे ना 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो के लेक्चर देख लो, सिर्फ एक लेक्चर देख लो, 3.2 देख लो और 3.3 देख लो, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है। तो उसको जाके एक बार देख लो, जिसको आपको जिसको नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है, आप उसको जाके देख सकते हो। चलो अब आ जाओ अगला, इसको इवैल्यूएट करना। साइन 1/√2 कब होता है? देखो साइन π/4 पे 1/√2 होता है ना। दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो या साइन को यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन 1/√2 पे कब होता है? साइन 1/√2 पे होता है π/4। इसी तरह cos √3/2 कब होता है? cos 60 पे √3/2 होता है। दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दो, या इसको इस तरफ ले जाओ, ऐसे याद रख सकते हैं। क्या इस तरफ नहीं लेते हैं, दोनों तरफ cos इनवर्स लगाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दिया, ये बन गया 60 2π/6। और cos 0 कब होता है? देखो cos 90 पे 0 होता है ना, दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दो, तो बन जाएगा π/2 = cos इनवर्स। तो ये बन गया π/2। इसके बाद क्या करो? LCM ले लो, 4, 6 और 2। 4, 6 और 2 का LCM कितना होता है? 12। 3 से मल्टीप्लाई करो, 9π इसको 2 से, 4π इसको 6 से, ये बन जाएगा कितना?
19 पावर बाय 12 चेक कर लो एक बार, देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दियो। 9, 4, 6, 10, 19 करेक्ट है ना, क्या इसको साइड पे कर लें। चलो अब देखो अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस टैन इनवर्स 1। तो क्या हम इसको डायरेक्ट 3π/4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं 3π/4, क्यों? क्योंकि साइन की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। क्या होती है? -π/2 से π/2 है ना, ये इसकी रेंज होती है साइन इनवर्स की। तो 3π/4 पाई होता है 180, पाई होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करो 45 इंटू 3 135 डिग्री। तो 135 इनके बीच में लाई नहीं करता है। आपको इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखो 180 माइनस 45, तो ये बन जाएगा पाई, 180 पाई होता है और 45 पाई बाय 4 होता है। तो अब इसको लिखो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 4 π - π - π/4 है ना। अच्छा यहां देखो cos इनवर्स cos पाई, हम इसको डायरेक्ट पाई लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट पाई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई होती है। cos इनवर्स की रेंज 0 से 180 होती है और 0 और 180 दोनों इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पाई लिख सकते हैं। और tan 1 कब होता है? tan 1 होता है पाई बाय 4। tan 1 कब होता है? पाई अपॉन 4। अब इसको डायरेक्ट लिख दो पाई अपॉन, समझ गए? चलो अब आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ देखो साइन 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये पॉजिटिव होता है, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आपका थीटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, बनेगा साइन पाई अपॉन 4। इसका एलसीएम ले लो 4π + π, π / 4। और अगर आप ध्यान से देखो ये पाई अपॉन 4 इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, तो ये रेंज में लाइक करता है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो π/4 + 5π/4, ये बनेगा 6π / π/4, ये बन गया 3π / π/4। देख लो इसको, ठीक है। अब बढ़ते आगे, देखो इसको एक बार फिर हम अगला करवा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ग्राफ पूछा है, पेपर में ग्राफ आता है, हमने कहा था ना पेपर में ग्राफ पूछते हैं, तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। पहले तो आपको साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ की शक्ल याद होनी चाहिए, है ना। अगर आपको शक्ल ही नहीं याद है तो फिर आप थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ग्राफ बनाना, ठीक है। तो ग्राफ आपको शक्ल याद होनी चाहिए। हमने आपको देखो तीन चीजें याद करने के लिए बोली थी, डोमेन, रेंज और ग्राफ। ये हमने आपको लेक्चर नंबर 1, ये हमारा लेक्चर नंबर 4, 5, 7, ये 8वां लेक्चर है शायद, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 8वां लेक्चर है। तो एक बार इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी लेक्चर जरूर देखना। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, इसको ले लो x एक्सिस, इसको ले लो y एक्सिस। देखो ये जो x है ना, ये जो x है, ये इस लाइन में लगा वैल्यू पुट करनी है। x कितना? -1/√2 से 1/√2, यहाँ रखो -1/√2 और यहाँ रखो 1/√2। अब एक एक करके यहाँ वैल्यू डालते जाओ, पहले जीरो डालो, इसमें जीरो डालो। देखो y आपका साइन इनवर्स x ले लो, x को जीरो डालो, जीरो डालोगे, साइन जीरो कब होता है? साइन जीरो जीरो पे ही होता है ना, ये तो हमें पता है। चलो अब 1/√2, देखो जीरो पे कितना आया, जीरो पे जीरो आया, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 1/√2, x की जगह 1/√2 डालो, साइन इनवर्स 1/√2, साइन 1/√2 कब होता है?
साइन वन बाय रूट टू होता है पाई अपॉन फोर पे, है ना, वन बाय रूट टू होता है पाई अपॉन फोर में, ये तो आपको टेंथ से ही पढ़ते आ रहे हो, इसको ले लो पाई अपॉन फोर, वन बाय रूट टू पे पाई अपॉन फोर, ये पॉइंट हो गया। फिर आ जाओ माइनस वन बाय रूट टू, माइनस वन बाय रूट टू डालो तो ये बनेगा साइन इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू, माइनस बाहर आ जाएगा, और वन बाय रूट टू कब होता है पाई अपॉन फोर, माइनस बाहर और पाई अपॉन फोर पे, ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन फोर, तो ये पॉइंट हो गया, है ना। अब साइन का ग्राफ कैसे बनता है, अब इसके बीच में भी ले सकते हो वैल्यू, ठीक है, साइन का ग्राफ याद होना चाहिए, साइन का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे और ऐसे, है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसके बीच में भी पॉइंट ले सकते थे, इसके बीच में भी पॉइंट ले सकते थे, ये किसका ग्राफ बना, साइन इनवर्स एक्स का, है ना, थोड़ा सा ना टेढ़ा बना ना, तो जरा इसको ना हम थोड़ा सा सीधा करते हैं, थोड़ा पॉइंट ना इसके बराबर का थोड़ा सा नीचे ले, इसके बराबर का लेना, यहाँ पे रख लो माइनस पाई बाय फोर, वैसे फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ग्राफ की शक्ल याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो गिवन पॉइंट है वही लेने हैं, अगर नहीं बोले होंगे गिवन पॉइंट तो फिर आप, अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट नहीं बोले हैं तो फिर आप वही ले लो माइनस वन टू वन, ठीक है। अगर नहीं बोले हैं तो साइन की डोमेन क्या होती है, माइनस वन टू वन होती है ना, फिर वो लेना। अच्छा, अब रेंज, रेंज क्या होती है, देखो इसका जो मैक्सिमम आंसर है वो कितना आया, पाई अपॉन फोर, है ना, सबसे बड़ा पाई अपॉन फोर होगा और सबसे छोटा माइनस पाई अपॉन फोर, यहां से भी दिख रहा है, ये लाइन रेंज की होती है और ये लाइन डोमेन की होती है, ये लाइन डोमेन की, अगर डोमेन पूछेगा ये डोमेन है, ये डोमेन है माइनस वन बाय रूट टू से वन बाय रूट टू, रेंज क्या है ये, देखो मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम पाई बाय फोर, मिनिमम माइनस पाई बाय फोर, तो रेंज कितनी है इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी माइनस पाई अपॉन फोर से पाई अपॉन फोर, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, नेक्स्ट आ जाओ, ये हमने कर लिया शायद, नहीं क्या हमने ये क्वेश्चन ये नहीं किया ना, ये देखो इसका आंसर तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको तो हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके पाई अपॉन फोर आया था, इसको तो डायरेक्ट पाई अपॉन फोर लिख रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, इसको पाई अपॉन फोर लिख रहे हैं, देखो इसको डायरेक्ट हम थ्री पाई अपॉन फोर लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज होती है जीरो से पाई, कॉस इनवर्स की रेंज होती है जीरो से पाई, और थ्री पाई अपॉन फोर कितना है, पाई 180 अपॉन 4, 45 इंटू 3, 135 डिग्री, 135 डिग्री 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और टैन 1 कब होता है, टैन 1 होता है पाई अपॉन 4 पे, टैन 1 कब होता है पाई अपॉन 4 पे, तो एलसीएम ले लो 4 5 आंसर आ गया पाई पाई अपॉन, ठीक है, दो नंबर के क्वेश्चन पूछे, दो दो नंबर के। अगला, ये तो सिंपल ही है ना, साइन वन बाई टू कब होता है, साइन वन बाई टू ये एक नंबर का है, जिसमें एमसीक्यूज दिखेंगे वो एक नंबर का, साइन वन बाई टू होता है पाई अपॉन सिक्स पे, है ना, साइन वन बाई टू कब होता है, थर्टी डिग्री पे, थर्टी डिग्री पे, अब ये बन गया देखो कितना, 60 प्लस 30, वो भी दो नंबर, ग्राफ वाला क्वेश्चन भी दो नंबर का था, 60 प्लस 30 90 हो गया, और साइन 91 होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है, सिक्स का भी ए पार्ट हो जाए। चलो अगला, इसको जरा देखो, टैन इनवर्स ये भी दो नंबर का है, ये भी दो, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं वो एक नंबर का, जिसमें एमसीक्यूज नहीं होते वो दो नंबर, इसमें निकालना है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 by 2 plus tan इनवर्स 1, देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 2 cos, देखो
साइन वन बाई टू कब होता है? साइन वन बाई टू होता है, साइन वन बाई टू होता है 60 पे, नहीं 30 पे, 30 पे होता है ना। और टैन वन कब होता है? टैन वन होता है पाई अपॉन फोर पे। टैन वन कब होता है? पाई अपॉन फोर पे। ये हो रही क्या? तो ये बनेगा टैन इनवर्स टू कॉस। देखो ये कितना है, ये है कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, है ना। समझ गए या नहीं? ये क्या बन रहा था? ये बन रहा था कॉस पाई अपॉन थ्री। कॉस 60 1/2 होता है, तो ये 2 कैंसिल। तो पीछे बचा टैन इनवर्स 1। और टैन 1 कब होता है? पाई अपॉन 4 पे। ये बन गया पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 45, 1 प्लस 45 90 हो जाएगा। देख लो इसको, 90 आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। देखो फिर से ग्राफ आ गया, ये भी 2 का। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। एक्स देके रखा हुआ -120, है ना, -120। अब कॉस का ग्राफ याद है कैसे बनाते थे? कॉस का ग्राफ ऐसे होता था, अगर आपको याद हो, ऐसे और ऐसे। यहां पे होता था 1, है ना, यहां पे होता था 0, और यहां पे होता था -1, और ये होता था पाई अपॉन 2, और ये होता था पाई, है ना, ये होता था पाई। ये कॉस इनवर्स का ग्राफ होता था। लेकिन इससे कितना पूछा है? इससे सिर्फ -120 पूछा है, तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा ग्राफ आएगा, सिर्फ इतना सा। जितना पूछा है उतना ही बनाना है, ठीक है, हम बना के देते हैं। तो देखो जरा, ये आ गया हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। आपको ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? -120, ये डोमेन होती है। x की वैल्यू डोमेन, और उसको y मानोगे तो रेंज। -120, ये -1 ले लो और ये 0 ले लो। यहां पे रख लो पाई अपॉन 2 और यहां रख लो पाई। क्यों? क्योंकि cos की रेंज, cos की रेंज 0 से 180 होती है ना, cos की रेंज 0 से 180 होती है। तो एक एक करके इसमें वैल्यू डालो, इसको y ले लो, y इक्वल टू cos इनवर्स x। चलो सबसे पहले 0 डालो, x को 0। cos 0 कब होता है? cos 0 होता है 90 पे, है ना, cos 0 होता है 90 पे, cos 90 पे 0 होता है। तो cos को उस तरफ ले जाओ, cos इनवर्स 0, 0 पे 90, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा आ जाओ -1, cos -1 कब होता है? देखो cos 180 पे -1 होता है, cos को उस तरफ ले जाओ, तो पाई हो जाएगा cos इनवर्स -1, तो ये पाई हो गया, ठीक है। तो -1 को थोड़ा सा इधर रख लो, तो -1 पे पाई, ये पॉइंट हो गया। अब आप इसको जोड़ दो, ये बन गया cos का ग्राफ, ठीक है, बस यही करना है। रेंज क्या हो जाएगी? देखो मैक्सिम, यही रेंज हो जाएगी मैक्सिम। देखो रेंज, ये रेंज होती है y एक्सिस वाली लाइन, तो रेंज है पाई बाई 2 से पाई, है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी? पाई अपॉन 2 से पाई। ये नहीं हो कि 0 से पाई लिख दो, अगर 0 से पाई लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना 0 से पाई मत लिख देना। 0 से एक नंबर ग्राफ का और एक नंबर रेंज का, एक नंबर इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा, तब जाके आपको 2 मिलेंगे। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला देखो। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन एंड रीजनिंग के ऊपर भी 1 का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पढ़ लो इसको। इसमें क्या होता है, 2 दी होती है, जैसे एक स्टेटमेंट ये दी है और एक स्टेटमेंट ये दी है, ये 2 है। हमें देखना होता है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। ये कहता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या सबका इनवर्स होता है? ना, हमने पढ़ा था ना लेक्चर नंबर 1 में कि हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1-1 और ऑन 2 हो ना।
तो इसमें हर एक डोमेन पे तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। समझ आए कि नहीं है? हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू इनकरेक्ट है। दूसरा, द इनवर्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू। देखो, अगर हम इसको वाई ले लें, इसको क्या ले लें, वाई, ये यहां पे जो एक्स है ना वो डोमेन होती है ना, और यहां पे जो वाई है वो रेंज होती है। तो इसने बोला वह, अब इसने बोला कि क्या इसकी डोमेन रियल नंबर होगी, एक्स का मतलब है रियल नंबर, बिल्कुल टैन इनवर्स की डोमेन रियल नंबर होती है, तो ये ट्रू है आपका, मतलब ये करेक्ट है ना, टैन इनवर्स एक्स के जो एक्स है वो हर एक रियल नंबर पे एग्जिस्ट करता है, तो कौन सा वाला हो जाएगा, ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो देखो ये वाला, डी वाला देखो, ए फॉल्स हो गया और आर आपका ट्रू हो गया, ठीक है। देखो यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से असर्शन रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्या पूछा हुआ, देखो फिर से आपको देखना है इन दोनों, ये भी एक नंबर का, आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रेंज, इसकी जो रेंज है क्या वो जीरो से पाई होगी, और दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है रेंज, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू बोला हो ना, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज, तो रेंज क्या, साइन इनवर्स एक्स की रेंज ये होती है ना, साइन इनवर्स एक्स की रेंज तो ये होती है, तो ये ट्रू हो गया आपका, साइन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई अपॉन पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है ना। अब आपको ये चेक करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना प्रॉपर्टीज के ऊपर दिया हुआ है, हमने आपको बताया था ना कि तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी है, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी काम आती है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जरूर याद करना, क्योंकि 2023, 24 और 25 तीनों का सिलेबस सेम ही है, तो ऐसा नहीं सोचना कि नहीं सर हमें नहीं पूछेंगे, बाद में पूछ लेंगे, फिर नहीं कहना कि हमने पढ़ा नहीं था। तो इसलिए आप ये तीनों प्रॉपर्टीज याद कर लो, ये हमने आपको क्लास में भी बताई भी है, तो एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी याद करो। अब इसकी रेंज निकालनी है, इसकी निकालनी रेंज, तो देखो पाई दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस टू कॉस इनवर्स एक्स, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई अपॉन टू के बराबर होता है, तो अब इसको ब्रेक करो, इसको तोड़ दो, इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, ऐसा बन जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, पाई अपॉन टू के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो पाई अपॉन टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये बन गया। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज, इसको मिटा रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से 180, है ना, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है 0 से 180, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, cos inverse x की रेंज होती है 0 से 180, हमने ऐसे लिख दिया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 180। अब यहां पे क्या, pi upon 2, तो तीनों में pi upon 2 ऐड करो, 0 plus pi upon 2, pi upon 2 plus cos inverse x, pi upon 2, pi plus pi upon 2, तो ये बन जाएगा, ये बन गया pi upon 2, पाई अपॉन टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाई के बराबर है, वाई को रेंज कहते हैं, वाई को रेंज कहते हैं, और इसका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 2π + 3π, तो इसकी रेंज हो जाएगी पाई अपॉन टू से 3π/2, ये इसकी रेंज है। पर इसने क्या बोला, इसने बोला कि इसकी रेंज 0 से π होनी चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया, है ना, इसकी रेंज 0 से π थोड़ा है, इसकी रेंज तो पाई अपॉन टू से 3π/2 है, तो इसका मतलब ए आपका फॉल्स है और आर आपका ट्रू है, तो कौन सा वाला मैच हुआ, डी वाला, ये वाला डी वाला मैच हो गया। देखो इसको एक बार यहां तक, फिर करवाते हैं अगला को।
नेक्स्ट अगला देखो, फिर से असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जब भी पूछा हो तो रेंज, मैक्सिमम मिनिमम जब भी पूछा हो तो रेंज, हमेशा याद रखो रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा हो तो भी रेंज, रेंज पूछा हो तो पता ही है रेंज निकाल। तो इसमें बोला कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कॉस इनवर्स एक्स की क्या पाई स्क्वायर होती है। तो एक चीज बताओ, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से 180, है ना? कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से 180। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दो। तो कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर और वो बन जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू 0। तो इसने क्या बोला कि मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर, तो ये करेक्ट है, ये आपका ट्रू है। दूसरा देखो क्या बोला, रेंज पूछी है, रेंज किसकी? कॉस इनवर्स एक्स की। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 से 180। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये तो साइन की रेंज है, कॉस की नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, है ना? तो अब इसको लिख सकते हो फॉल्स। तो आर आपका ट्रू है और आर आपका, ए आपका ट्रू, आर आपका फॉल्स, तो ये हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज। नेक्स्ट इसको देखो, इसको भी इसी तरीके से करना है। इसमें भी दो स्टेटमेंट दी है तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले तो दूसरी देखो, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की क्या 0 से पाई होती है? नहीं होती ना, ये तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई अपॉन टू से पा बाय टू, पा बाय टू से माइनस पाई अपॉन टू, ये साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है ना? इसका मतलब है ये क्या है, इनकरेक्ट। ये आपका क्या बन जाएगा, इनकरेक्ट, है ना? तो इसको फॉल्स बोल दो। अब दूसरा देखो, इसने पूछा है द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्या इस फंक्शन की रेंज ये होगी? इस फंक्शन की जो रेंज है क्या पाई अपॉन टू से 3π/2 होगी, है ना? तो क्या करो, देखो साइन इनवर्स एक्स की रेंज ये है, हमें चाहिए 2 sin inverse x + 3π/2। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, हमें ये बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस पाई अपॉन टू इंटू 2, इसको 2 से और इसको भी 2 से, ये बन गया, ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल। फिर आपको चाहिए 3π/2, तो तीनों में 3π/2 ऐड करो, माइनस पाई प्लस 3π/2, 2 sin inverse x + 3π/2, पाई 3π/2, ये बन जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 2, माइनस 2π में से 3π, ये पाई हो जाएगा, ये 2 इधर आ गया, 3π में से माइनस 2π के पा बाय 2, और इस वाली वैल्यू को एफ एक्स ले लो, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, है ना? देखो ध्यान से, 2 sin inverse x + 3π/2 एफ एक्स हो गया, और इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 2 2π + 3π 5π, तो इसकी रेंज हो जाएगी पा बाय 2 से 5π/2। तो क्या ये करेक्ट है? देखो ये इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है, ट्रू हो गया, सेम है ना? तो आप लिख सकते हो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। देखो ए ट्रू आर फॉल्स, देखो जरा इसको यहां, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ये भी 2 नंबर का पूछा गया है, डोमेन और रेंज बतानी है टैन इनवर्स एक्स की। ये तो हमें डायरेक्ट ही पूछ लिया। तो डोमेन क्या होती है टैन इनवर्स एक्स की? टैन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है माइनस पाई अपॉन टू से पाई अपॉन टू, ठीक है? ये इसकी रेंज होती है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डालना, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि टैन 90 पे इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इन्फिनिटी टाइम चलता जा रहा है। तो ये 2 नंबर का डायरेक्ट पूछ लिया था इसने। चलो जी, ये आखिरी क्वेश्चन है,
ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी दो नंबर का पूछा गया था, ये हमने ये क्वेश्चन 24 में भी आया और सेम क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया है ना, ये हमने कल किया था ना 24 में, सेम क्वेश्चन 23 में भी पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन है, इसकी डोमेन निकालनी है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है एक्स माइनस वन और वन के बीच में होता है ना, एक्स माइनस वन और वन के बीच में होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर वन और माइनस वन के बीच में होगा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन और वन के बीच में। तो आप इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस फोर लाइज बिटवीन माइनस वन टू वन, ये बन जाएगा है ना। देखो यहाँ तक, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो 4 ऐड कर दो सब में, माइनस वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर और वन प्लस फोर। हमने क्या किया, हमने सब में 4 ऐड कर दिया क्योंकि हमें x तक पहुंचना है। तो ये बन जाएगा, ये बन गया 3, ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये बन गया 5। अब हमने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या कभी इसका प्रूफ जानना होगा ना, ऐसे तो हमने करवाया हुआ इसका प्रूफ। रिलेशन फंक्शन में ना मॉडुलस फंक्शन आता है, मॉडुलस फंक्शन में ये सब चीज़ें बताई हुई हैं इनइक्वालिटी में, जेई वाले चैनल में, तो जेई वाले दोनों चैनल पे बताया हुआ है। अगर आपके ऐसा दिया हो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस रूट बी से माइनस रूट ए यूनियन रूट ए से रूट बी। और यहाँ पे जो ए होता है देखो कंपेयर कर लो, ए थ्री है बी फाइव है, ए थ्री बी फाइव, सिर्फ वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, ए की जगह 3 बी की जगह 5 आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू ए की जगह 3 बी की जगह 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से रूट 5। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, डोमेन हो जाएगी माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से रूट 5। ये हो गया हमारा सारा कंप्लीट, ठीक है एक बार देख लो इसको, हम आपको कल करवाएंगे, कल हम आपको 2021 से लेकर 2012 तक के करवा देंगे। तो कल कोशिश करेंगे, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी लेक्चर रहेगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, और मिलते हैं कल एक आखिरी लेक्चर के साथ, फिर करेंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। देख लो इसको एक बार यहाँ पर।